भागकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। एक शेर है नवाज देवबंदी का कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, और चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। इस शेर को सच कर दिखाया है लोनी की विकास कुंज कॉलोनी में रहने वाले सुनील शर्मा ने। 2006 में वो एक अध्यापक बने, अध्यापक से रिज़ाइन कर दिया और 2008 में दिल्ली पुलिस में दरोगा बन गए। दिल्ली पुलिस में दरोगा रहते हुए 4 साल काम किया, लेकिन वहाँ भी उनका मन को शांति नहीं मिली। जो वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं रुका, उनका सफ़र जारी रहा। और वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद सेंट्रल एक्साइज कस्टम में चले गए, वहाँ पर 3-4 साल काम किया, 4 बार UPSC का एग्ज़ाम दिया और 4th बार में क्लियर कर लिया और आज एक IAS अफसर बन गए हैं। हम उनके पास पहुँचे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। 2006 से उनका ये सफ़र शुरू हुआ था, जो एक जद्दोजहद उन्होंने शुरू की थी वो आज 2017 में जाके रंग ले आई है। 237 रैंक उनको मिली है UPSC का, जो अभी रिज़ल्ट आया है जिसमें 1099 बच्चों ने पास किया है, उसमें 237वीं रैंक उनको मिली है। उन्होंने कैसे ये हासिल किया और कैसे सफ़र किया और कैसे निरंतर वो चलते रहे? नहीं देखा गया है कि एक सरकारी नौकरी छोटी सी भी, चपरासी की भी किसी को मिल जाए, आदमी सोचता है अपना जीवन ऐसे ही गुजारते रहो, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा। आखिर वो इस स्टेज पर आए बगैर क्यों नहीं रुकना चाहते थे, क्या उनके मन में था, यही सब हम जानने के लिए उनके पास पहुँचे हैं। तो धाकड़ खबर चैनल पे आपका स्वागत है सुनील शर्मा जी, और दूसरा आपको मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोनी का भी काफ़ी नाम रोशन किया है तो सर, बस धन्यवाद। ये सब शुरुआत ये क्या था, मतलब पहले आप अध्यापक बन गए, फिर आप दिल्ली पुलिस में चले गए, फिर सेंट्रल एक्साइज कस्टम में चले गए, तो ये कैसे, मतलब क्या था मन में शुरू से? सर शुरू से ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, पिताजी किसान थे और इधर लोनी में आके शुरू में आ गए थे लगभग 20-25 साल पहले, तो उन्होंने यहीं पे आके हमारा जन्म हुआ, तो यहाँ का माहौल देखते थे हम, तो हमेशा मन में होता था कि कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना है जीवन में। तो पिताजी की प्रेरणा यही थी कि आप बड़ा मेहनत लगन से लगे रहो, एक ना एक दिन आपको लक्ष्य हासिल होगा। तो वही सब लगन के अनुसार धीरे धीरे कोई एग्ज़ाम्स देते रहे, पहले टीचर बने, टीचर के दौरान पाया कि हमारा दायरा सीमित है, हम बच्चों तक सीमित हैं, तो फिर पुलिस का एग्ज़ाम दिया, फिर भी लगा कि नहीं। शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल होता है समाज में। जी बिल्कुल, शिक्षक का रोल बहुत अहम है, लेकिन हमने पाया कि शिक्षक के तौर पे हम एक 50 बच्चों तक सीमित है हमारा जो समाज के लिए सेवा का दायरा है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हमारा जो सेवा का दायरा है वो बहुत विस्तृत हो जाता है, और साथ ही साथ हम समाज के बड़े स्तर पर सहायता कर सकते हैं, अपनी सेवा और ज़्यादा दे सकते हैं। यानी कि समाज को बहुत कुछ देने का मन था, मन में हमेशा यह था कि समाज के लिए कुछ करूं, और उसी से निरंतर चलते रहे। आंतरिक तौर पे उसी से बल मिला, जब भी हार होती थी या जब असफलता कभी भी हाथ लगती थी तो मन में यही जो विश्वास था अंदर कि भाई कुछ बेहतर करना है, और अच्छे के लिए कुछ ना कुछ आहुति या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मेहनत करते रहे, और वही बेहतर करने की चाह जो वो आगे बढ़ाती रहे। कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी में रहते हुए आपने ये अचीवमेंट किया है, तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए। सर मेरा मानना है कि यदि आपके मन में लगन है, विश्वास है, और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, यदि उद्देश्य अच्छा है तो आप एक ना एक दिन सफलता हासिल करते हैं। चाहे रिजर्वेशन या इस प्रकार की जो व्यवस्था जो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई हैं उनके लिए वो बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं है वे सब वर्ग भी यदि मेहनत लगन से काम करें तो वे भी अपना विकास में भागीदारी निभा सकते हैं। तो कहाँ से कैसे शुरुआत की, जैसे हमें शुरू से ही चलें, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त? सर मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं विकास कुंज में अपने भारद्वाज पब्लिक स्कूल से हुई, जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और उसके बाद तत्पश्चात मैं स्कूल की बुनियाद आपके पिताजी ने कब रखी? सर इस स्कूल की बुनियाद 96-97 के आसपास बुनियाद रखी गई थी, तो शुरुआती क्लासेज यहाँ पे हुई, फिर उसके बाद क्योंकि प्राइमरी स्कूल था ये, तो इसके बाद हम दिल्ली कैंटरबरी पब्लिक स्कूल में हमारा एडमिशन पिताजी ने कराया, फिर 11वीं 12वीं हमने सरकारी स्कूल से शाहदरा में मुखर्जी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, उसके बाद 2 वर्षीय डाइट का पाठ्यक्रम कंप्लीट किया, डिप्लोमा पूरा किया, और एज ए प्राइमरी शिक्षक के तौर पे सन 2006 में सोनिया विहार प्राथमिक विद्यालय में, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में हमने एज ए शिक्षक कार्य किया 2 वर्ष, 2 साल तक शिक्षक रहे डाइट करने के बाद आपका, 2006 से 2008 तक। और लेकिन वहाँ भी आपको ऐसा नहीं कि चलो नौकरी मिल गई रुक जाएं,
वो नहीं हो पाया। सर जैसे मैंने बताया कि मेरा मन था कि आगे आगे बढ़ते रहना, जीवन में रुकना नहीं है कभी भी, हार मान के या रुक के थम जाना नहीं है। तो मैंने 2008 में ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, फिजिकल पास किया, रिटन टेस्ट पास किया, इंटरव्यू पास किया। तो दिल्ली पुलिस में उस्मानपुर में थाना न्यू उस्मानपुर में मेरी पोस्टिंग रही सन 2008 से 2012 तक। 4 साल जो है पुलिस को सेवाएं दी। 4 साल थाना न्यू उस्मानपुर में एज ए सब इंस्पेक्टर काम किया। उसी सर्विसेज के दौरान मैंने देखा कि मैं पढ़ाई के लिए कम समय दे पा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्योंकि रात दिन की जॉब है पुलिस की, थोड़ी ज़्यादा आपको समय अधिक बिताना पड़ता है समाज के बीच। मतलब पहले ही जो आपने ट्राई किया, पहली बार जो एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, वो दरोगा रहते हुए दिया, टीचर रहते हुए कोई एग्ज़ाम नहीं दिया ना, तो कितने एग्ज़ाम दिए उस दौरान? सर मैंने उस दौरान एक बार अटैम्प्ट किया यूपीएससी में, एक ही अटैम्प्ट में, इस ईयर में सन 2010 में। 2010 जी जी, सन 2010 में मेरा पहला अटैम्प्ट हुआ यूपीएससी में, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मैं पास नहीं कर पाया था। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि जितने घंटे चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है, अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उतने घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब एक जॉब चेंज करनी होगी, कुछ इस तरह की जॉब देखनी होगी जिसमें कि स्थायित्व हो, क्योंकि पुलिस की जॉब में रात और दिन की जॉब है। तो आप एक इससे यहाँ कुछ पता नहीं ना किस समय क्या हो जा रहा है, कहाँ जाना पड़ रहा है आपको। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई टाइम टेबल हम फिक्स नहीं कर सकते पुलिस की जॉब में। तो मैंने फिर ये सीजीएल से एसएससी का एग्ज़ाम दिया ग्रेजुएट लेवल, और इसमें मेरा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर मेरे को वहाँ पोस्टिंग मिली, तैनाती मिली सीबीएसई में। तो मैं वहाँ पे तब से वहीं पे मैं रह के तैयारी करता हूँ। नहीं नहीं, जब आपकी वहाँ तैनाती होगी तो पोस्टिंग कहाँ हुई? सर मेरी पोस्टिंग मुंबई में सेवा कर विभाग में, मुंबई चर्च गेट में पोस्टिंग रही मेरी। वहाँ सर ये बेनिफिट था कि जॉब का जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक हैं, तो 9:30 से पहले और शाम को 6 के बाद आप अपना समय अन्य कार्यों में, जैसे और भी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी, तो आप लगा सकते हैं। और सैटरडे संडे 5 डे वीक था, तो सैटरडे संडे भी यूटिलाइज हो जाता था। तो इस वजह से मैं उसमें और मेहनत लगन से लगा रहा लगातार, और वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम दिया 2 बार, तो दोनों बार मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन 20 एक बार 24 नंबर से, एक बार 22 नंबर से मेरा। जैसे वहाँ पहुँचे 2012 में, तो पहला एग्ज़ाम कब दिया? जी मैंने वहाँ एक साल बाद 2013 में पहला एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि 20 नंबरों से। जी जी, फिर मैंने 2015 लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं 24 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। लेकिन आपने हार नहीं मानी? नहीं सर। आपने कहा हार नहीं मानी है, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। सर इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है, पिताजी माताजी का, दोनों ने, जब भी मैं फेल हो जाता था फ़ोन करता था पिताजी को, तो पिताजी का यही कहना था कि बेटा रुको नहीं, डरो नहीं, एक बार हार मिली है कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत है, और जो कोशिश करने वाले हैं उनकी कभी हार नहीं होती, ऐसा मेरे पिताजी बोलते थे, एक फेमस कविता हरिवंश राय बच्चन की। तो और साथ ही साथ मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जब भी मैं बहुत दुखी हो जाता था, रिजल्ट जिस दिन आता था तो पूरे घर में बहुत दुख का माहौल हो जाता था कि भाई फेल हो गए, पूरे साल भर की मेहनत ज़ीरो हो जाती थी, लेकिन वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, मालती शर्मा मेरी वाइफ का नाम है। सर मैंने फिर लास्ट ईयर ये 2016 की परीक्षा दी है, और परमात्मा की कृपा से और सबके आशीर्वाद से मेरा इसमें फाइनली 237 रैंक पर चयन हुआ है। क्या वो चीज़ थी जो आपको यहाँ तक लाई? क्या आपने देखा कभी बचपन में, बड़े होने पे, कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में टकराई, दिल में लगी कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, कुछ करना है, क्यों ये धुन सवार? सर ये धुन मुझे सवार हुई अपनी पुलिस की जॉब के दौरान। हम लोग विकास कुंज से जब मैं थाना जाया करता था तो नहर के रास्ते से गुजरता था, तो हमारी नहर का जो रास्ता है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में काफ़ी लंबे समय से है, अभी आज भी ऐसा ही है। जी जी, वो सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा हैं, तो उस रास्ते को देख के मेरे दिल में हमेशा यही सवाल आता था कि ये कौन अधिकारी हैं जो इस काम को कर सकते हैं, किन की वजह से ये नहीं हो रहा है। तो मुझे, मैंने पाया कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होता है, लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, सड़कें, स्कूल वगैरह, अस्पतालों के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना हम उस प्रशासन का भाग बने, कि हम जो आज जिन चीज़ों को हम नहीं कर पा रहे हैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उन चीज़ों का भाग बने, ताकि लोगों की जो भी समस्याएँ हैं उनमें कुछ अपना योगदान हो। जो मैंने फेस किया है वो और लोग ना करें, मैं एक अफसर ऐसा बनूं जाके लोगों के हित में कुछ करूं। जी बिल्कुल, मेरा ये था कि जो मैं फेस कर रहा हूं या और समाज के लोग कर रहे हैं, कुछ तो उनके जीवन में पॉजिटिव लाऊं, कुछ तो करूं। तो वही एक भावना थी कि प्रशासन का भाग बनने से ये राह आसान हो जाएगी, मुझे ऐसी क्षमताएँ प्राप्त हो जाएंगी सरकारी तौर पर कि मैं लोगों के जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन ला सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ। क्या लोनी को लेके भी कुछ सोचा है?
यहाँ देखिए मेरे मैं एक चीज़ कहता हूँ कभी कभी मजाक में कह देता हूँ इन बच्चे लोगों से सबसे कि हिंदुस्तान की हर गली में ना शाहरुख खान घूमता है, जिसको मौका मिल जाता है वो शाहरुख खान कहलाता है, जिसको मौका नहीं मिल पाता तो टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, ज़रूरत है उसको तराशने की, उसको उभारने की। उसके लिए कुछ आपने सोचा हो कि हाँ भाई मेरे सामने ये दिक्कतें रही हैं, कम से कम अगर और बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं राह हमवार करूँ? सर मैं शुरू से ही मेरे मन में एक सपना है कि अपनी नौकरी के साथ साथ मैं एक बच्चों के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि उसका रास्ता मुझे पता चला है और मैंने खुद से गलतियां करके सीखा है, इसलिए लंबा समय भी लगा, तो मेरे को लगता है कि यदि उनको सही गाइडेंस दिया जाए, बच्चों में टैलेंट हर जगह है सर, हर बच्चा ऊपर वाले से परमात्मा मालिक उसे टैलेंट देता है, लेकिन कंडीशंस जो है सोशल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। माँ बाप अनपढ़ होते हैं, जानते नहीं हैं क्या गाइड करें बच्चों को। तो सर मेरा इरादा यही है कि जो भी छुट्टी का समय मेरे पे रहेगा जितना भी, जहाँ तैनाती है जो प्रशासनिक तौर पर संभव है वो तो वो करूँगा, व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये है कि जो बच्चे रहेंगे अपने इलाके के उनको एक गाइड करना, उनको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी देना, उनको आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी, यदि किसी पुस्तक नहीं तो पुस्तक भी मुहैया करवाना लोगों की सहायता से मिलके, ये सर मेरा सपना है कि मैं जिस समाज से उठ के खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे और भी लोग इस तरीके से आगे बढ़ें और उनके जीवन में मैं व्यक्तिगत तौर पर, ना केवल प्रशासनिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी परिवर्तन ला सकूँ। सर हमारे साथ सुनील शर्मा जी के पिताजी हैं जो एक यहाँ विकास कुंज कॉलोनी में भारद्वाज पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चला रहे हैं करीब पिछले 20 सालों से, और उनका नाम है धर्मप्रकाश शर्मा, उनसे बात करते हैं। कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा, मेरे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ है, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, इससे बड़ी मेरे जीवन में और कोई खुशी नहीं है, मुझे इतनी खुशी का एहसास हो रहा है। और जब कल इनका स्वागत समारोह किया गया तो मुझे ये लगा कि मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसियों में, मेरे कॉलोनी वासियों में, मेरे क्षेत्र वासियों में जो गणमान्य व्यक्ति थे उनमें भी बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल था। मैं उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं और दिल से आभार प्रकट करता हूं, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मेरी इस जीवन में इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप अलीगढ़ से कब यहाँ आए, कैसे कैसे शुरुआत की, स्कूल की बुनियाद रखी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं गांव कुंजगढ़ी, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादा अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़, और किसान परिवार था। हम तीन भाई हैं, मेरे बड़े भाई महेंद्रपाल शर्मा हेडमास्टर हैं, मुख्याध्यापक हैं, मझला मैं हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैं बिरला टेक्सटाइल में 18 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पर मैंने काम किया, वहाँ मेरी कुछ सेहत ख़राब होने की वजह से मैंने वहाँ से रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद मैंने स्कूल का उद्घाटन किया, स्कूल शुरू किया, स्कूल की बुनियाद रखी, ये 96 में करीब आपने रखी है, यहाँ पे आके फिर आपने स्कूल शुरू कर दिया। अपने सारे बच्चे यहीं से पढ़ाए? हाँ जी, मैं पढ़ाते हैं बच्चों को? जी हाँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, खुद क्लासों में रहता हूँ, और प्रधानाचार्य का भी अपना जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, और परिवार के बारे में बताइए, आपकी मिसेज जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, वो भी पढ़ाती हैं? मेरी मिसेज पढ़ी लिखी हैं, मेरे साथ आती हैं स्कूल में, हाउस वाइफ भी हैं और स्कूल में भी आती हैं, मेरी पूरी जिम्मेदारियों में हाथ बटाती हैं, मेरे बच्चों के विकास में आगे बढ़ने में मेरी मिसेज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जीवन में एक जैसे जड़जोड़ू का साथ होता है, वास्तव में उस तरह से मुसीबत के समय में भी, अच्छे समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। बच्चों को मुझे कभी भी कोई भी परेशानी आई, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ खड़े रह के हमें हौसला हिम्मत दी। जी 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 जी, तो वही बात हुई कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप सारा क्रेडिट अपनी मिसिज को दे रहे हैं? हाँ जी, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों के आगे बढ़ने में मेरी मिसेज का क्रेडिट ज़्यादा है। आपका भी सुनील जी की तरह कोई टारगेट है कि बस टीचर बन गए काफ़ी है? नहीं सर, टारगेट है बिल्कुल है। देखो, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है? नहीं सर, यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं देने की इच्छा थी, लेकिन मेरी पोस्टिंग जे एंड के में नूबरा में होने की वजह से
सुविधाओं का बहुत अभाव है, अपडेट नहीं हो सकते आप, नेट नहीं आता है, लाइट नहीं आती है, अखबार मैगजीन कुछ नहीं आता है। चाइना के बॉर्डर पे पहुंच गए? यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा बड़े भाई ने आज ये अचीव किया है? यस सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, एक संतोष की भावना आ रही है बिल्कुल चेहरे पे, चिंता नहीं है अब कोई भी। पहले क्या लगता था कि जब तैयारी के लिए चलते थे तो लगता था कि यार किससे पूछेंगे, पहले कम गुमान होता होगा कि मेरा भाई दरोगा है, अब तो मेरा भाई आईएएस बन गया है। नहीं सर, वो देखो गुमान तो, गुमान और कॉलर तो हर व्यक्ति का ऊंचा होता है इन बातों को सुन के सर। बड़ा भाई कुछ हो ना, नहीं छोटा नहीं, बिल्कुल सर, गुमान और कॉलर तो हर व्यक्ति का ऊंचा होता है, जो लोग भाई ना हो जानते हो तो भी, लेकिन घमंड का कोई इसमें हिस्सा नहीं है सर, रोल नहीं है। हमारे साथ इनके सुनील शर्मा जी के तीसरे भाई भी हैं, ये भाई ही हैं तीनों। और आपका नाम? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, आप किस फील्ड में हैं? मैं भी टीचिंग के फील्ड में हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू भी दिया है, तो उसका प्रोसेस चल रहा है अभी, तो सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर। अच्छा, अभी आप टीचर बने नहीं हैं लेकिन टीचर बनने के प्रयास में हैं? हाँ जी सर। अच्छा, रहेंगे आप भी टीचिंग में ही? सर पूरी फैमिली टीचिंग बैकग्राउंड से ही है, और टीचिंग एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, छोटा भाई जो होता है बड़े का सबसे प्यारा होता है, मंजिला तो खैर लगता रहता है उसे, पर छोटा जो होता है ना उसको गोद भी खिलाया होता है बड़े भाई का, तो ज़्यादा प्यार होता है छोटे से। आप नहीं, भैया प्यार तो करते ही हैं, क्योंकि हम अब तक जितने भी कामयाब हुए हैं, हमारी शिक्षा हुई है, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई दोनों, जितनी मदद हो सकती है उतनी करते हैं, और गाइडेंस अच्छी देते हैं हमें कि हमें क्या करना है पूरी ज़िंदगी में। अभी तक उन्होंने ही चलाया है आज तक, और सहारा दिया हर जगह पर। परिवार की जो महिलाएं हैं, जैसे सुनील शर्मा जी हैं, उनकी मिसिज हैं, माता जी हैं, उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं। कोशिश ये भी करना चाहते थे, सुनील जी के जो तीन बच्चे हैं आपके, उनसे भी हम बात करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं अपने पिता के एक आईएएस बन जाने पर, लेकिन बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी भर गया है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया था, ये लोग तो इधर आ गए, इसलिए इन सबसे बात हो गई है। मौका फिर लगा उनसे फिर बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारी शुभकामनाएं आपको हैं सुनील जी, आप लोगों ने लोनी का बड़ा नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र की एक पहचान दूर तक आपकी वजह से जाएगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ठीक है, मैं तो खैर ऐसी स्टोरी पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि बुरा तो लोनी में रोज़ लिखाई दे रहा है, यहाँ के तमाम अखबार जो हैं वो लिख देते हैं बलात्कार हो गया है, लूट हो गई है, मर्डर हो गया है, पर वो अच्छी पॉजिटिव स्टोरियाँ नहीं लिखते हैं। मैं भी अखबार में रहा और इस चीज़ से पीड़ित रहा हूँ बहुत, क्योंकि वो बुरा ही बुरा लिखना चाहते हैं, पता नहीं क्या है। जैसे एक फिल्म होती है ना कि अमरीश पुरी आएगा तो बलात्कार कर रहा होगा, किसी को मार रहा होगा, वो स्थिति लोनी की बना के रख दी है। खैर, अच्छी चीज़ें लोनी से आने लगी हैं, और ये खबर आप एनसीआर में बैठे हुए उन लोगों को ज़रूर दिखाइएगा जो लोनी को लेके कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, क्रिमिनल्स का अड्डा है लोनी, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, उनको दिखाइएगा, हमारे लोनी में ऐसी प्रतिभाएँ रहती हैं। यूपीएससी के रिजल्ट में 237वां स्थान आया है। फिलहाल मैं कैमरामैन सलमान मलिक के साथ अक्रम रईस खान, धाकड़ खबर।